सहारनपुर पुलिस ने तीन थानों के सात शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही इनके कब्जे से भारी मात्रा में लूट का माल भी बरामद हुआ। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना रामपुर मनिहारन चार अभियुक्त, थाना देहात कोतवाली से दो अभियुक्त तथा थाना सदर बाजार से एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। सभी को जेल भेजा जा रहा है। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस टीम को 25,000 नगद इनाम देने की घोषणा की है। जी हाँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के नेतृत्व में रामपुर पुलिस ने गुडवर्क किया है। जैसे कि विगत दिनों में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मैंने बताया था बंधन बैंक से जो लूट हुई थी उसमें पूरा गैंग था। उस गैंग के कुछ अपराधी तो हमने पिछली बार ही पकड़ के गिरफ्त करके जेल डाल दिए थे। अब ये तीन अपराधी और पकड़ाए हैं उस गैंग के, जिसमें से गोविंद, आकाश, अनुज, इन तीनों को कल बहुत कुशलता के साथ SHO रामपुर ने और अपनी क्राइम टीम ने इनको धरपकड़ कर ली है इनके साथ। और उनके साथ कुछ बरामदगी भी हुई है, जिसमें बरामदगी में तो दो मोटरसाइकिल हैं और एक थाना बड़गांव में भी इन्होंने लूट करी थी, उस लूट का सामान भी बरामद हुआ है। जी जी हाँ, एक चोर पकड़ा है, रईस नाम का चोर है। उसने 22 तारीख को एक घर में घुसकर चोरी की थी। कुछ हीरे, कुछ जवाहरात थे जिनको उन्होंने चोरी चुराया था। अब कल हमने उसको पकड़ लिया है, कल उसके पास से जवाहरात बरामद हो गए हैं। जवाहरात की कुछ कीमत 2.5-3 लाख बताई जा रही है। उसको भी हम आज जेल भेज रहे हैं। इस घटना से पहले जो उन्होंने शुरू करी थी लूट की यहाँ पे सहारनपुर में, उससे पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें से हाँ ज़रूर गोविंद का आपराधिक इतिहास है, वो देवबंद जेल में गया है। किस मामले में गया था ये अभी तक DCRB से हम चेक नहीं कर पाए हैं। उससे पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई थी, वो देवबंद जेल में था। कोई मूर्ति तोड़ी गई थी उसमें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।